नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। और सबसे पहले आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी की सांसद हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मुद्दे पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। अब स्वाति मालीवाल ने पुलिस और कोर्ट में जो बयान दिया है उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर जाकर जांच की और अब स्वाति मालीवाल को लेकर सीएम आवास पुलिस पहुंच रही है। पुलिस घटनास्थल पर जाकर जांच कर रही है। स्वाति मालीवाल को अपने साथ लेकर पुलिस सीएम आवास पर पहुंच रही है ताकि जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जा सके। यही मंशा, यही मकसद, इसी को जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है स्वाति मालीवाल को लेकर? दिल्ली पुलिस सीएम आवास पहुंच रही है। स्वाति मालीवाल की तरफ से जो बताया गया है उनके साथ अपराध हुआ है उसी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए क्या? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की टीम अगर स्वाति मालीवाल को यहाँ पर लेकर के आती है तो पूरा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। अब से करीब एक घंटे पहले दिल्ली पुलिस की एडिशनल महिला डीसीपी जो हैं वो यहाँ सीएम आवास पर पहुँची हैं। इसके अलावा जो एसएचओ सिविल लाइन है उनके साथ एक इंस्पेक्टर और एफएसएल की टीम के साथ पूरी की पूरी जो पुलिस टीम है वो अंदर पहुँची है और पूरे सीन को अब रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि स्वाति मालीवाल ने जो बयान दिए हैं एफआईआर में जो उन्होंने लिखवाया है उसमें कितनी सच्चाई है अब ये जानने की कोशिश पुलिस की टीम करेगी। तमाम सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं घर के बाहर की। अगर मैं बात करूं तो 8 सीसीटीवी कैमरे घर के बाहर लगे हुए हैं। इसके अलावा तमाम सीसीटीवी कैमरे अंदर भी लगे हुए हैं। जिस तरीके से वीडियो भी सामने आया और वीडियो के अंदर जो लोग नजर आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ जो है वो पुलिस की टीम करेगी। यानी कि जिस वक्त स्वाति मालीवाल करीब 9 बजे 13 तारीख को यहां पर पहुंची थी तो जो लोग यहां पर गेट पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा उनको अंदर कौन लेकर के गया उनसे पूछताछ की जाएगी। ड्रॉइंग रूम में जितने भी लोग नजर आ रहे थे उनसे पूछताछ की जाएगी। यानी कि कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अब पुलिस की टीम करेगी। और अगर पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को लेकर यहां पर आ रही है तो स्वाति मालीवाल ही वो शख्स हैं, वो चश्मदीद हैं जो ये बताएंगे कि वो किस रास्ते से कैसे वो अंदर पहुंची थी और उसके बाद अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो तमाम जो लोग अंदर मौजूद हैं उनसे भी पुलिस की टीम यहां पर पूछताछ करेगी। फिलहाल जो एफएसएल की टीम है वो भी अंदर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम है वो भी अंदर लौटूंगी। मनोज, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे हम। तो कुछ ही देर में स्वाति मालीवाल को लेकर टीम पहुंचने वाली है पुलिस की और यहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाना है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद है। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है इसी मुद्दे को लेकर। और इस सब के बीच दीपक, अब आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है स्वाति मालीवाल के खिलाफ। आम आदमी पार्टी अब मोर्चाबंदी करती हुई नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल रोमाना, और देखकर ये लग रहा है कि स्वाति मालीवाल की शिकायत का ही इंतजार आम आदमी पार्टी कर रही थी क्योंकि उससे पहले उनको मनाने की लगातार कोशिश होती रही। तस्वीरें भी सामने आई, संजय सिंह उनके घर से निकल रहे हैं। जब अंत में स्वाति मालीवाल ने शिकायत कर दी, एफआईआर दर्ज हो गई तो अब पार्टी ने भी आधिकारिक तौर पर इस पर लाइन ले ली है। लाइन विवेक कुमार के साथ नजर आती है और स्वाति मालीवाल के खिलाफ नजर आती है। सीधे तौर पर जब ये वीडियो सामने आया तो उसको लेकर सौरभ भारद्वाज से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का ट्वीट सामने आया है। वो कह रहे हैं कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि अगर मारपीट के बाद उन्होंने कॉल की है तो वो जिस स्थिति में दिख रही हैं उस स्थिति में बिल्कुल नहीं लगता कि उनके साथ मारपीट हो चुकी है। उसके बाद भी सुरक्षाकर्मी उनसे बाहर जाने को कह रहे हैं, वो तब भी नहीं जा रही हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, कह रही हैं कि तुमको नौकरी से निकलवा देंगे, तुम पर कार्रवाई करवा देंगे। तो तमाम चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी बोलती हुई नजर आ रही है। अब थोड़ी देर बाद आप रहिए हमारे साथ, दीपक आप भी हमारे साथ बने रहिए, मनोज वर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो लगातार पल पल का अपडेट एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।